आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। तीन पहाड़ी जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी, मैदान में मौसम साफ। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं देहरादून में मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ रहेगा। देहरादून का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिन के समय तेज धूप खिली रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून हरिद्वार में आज सस्ता हुआ डीजल पेट्रोल, जानिए हल्द्वानी में कीमत। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89.60 रुपए, वहीं आज के दाम है 89.50 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.79 रुपए, वहीं आज के दाम है 81.62 रुपए। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89.05 रुपए, वहीं आज के दाम है 88.98 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.20 रुपए, वहीं आज के दाम है 81.12 रुपए। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89.03 रुपए, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.19 रुपए, यही आज के भी। उत्तराखंड में मिले 109 नए कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा है। आज की बात करें तो 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 99,990 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,711 पहुंच गया है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सल्ट उपचुनाव नामांकन। आज सल्ट उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करवा सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना। दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना। पूर्णागिरी मेले की शुरुआत। आज से मां पूर्णागिरी मेला शुरू होगा। मेला प्रशासन ने मेले की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत दोपहर 1 बजे प्रवेश द्वार ठूली गाड़ में पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में शामिल होने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। पुडुचेरी में पीएम मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजग उम्मीदवारों के पक्ष में पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली पुडुचेरी मुदलियार पेट मार्ग पर स्थित एएफटी मिल में होगी। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है। राष्ट्रपति की बाईपास सर्जरी। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी की जा सकती है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति कोविंद को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आगे की जांच के लिए उन्हें एम्स दिल्ली रेफर किया गया था। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से करेंगे वार्ता। नीट पीजी 2021। NBE यानी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2021 परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस जमा करने के लिए आवेदन शुल्क फिर से खोली। आज दोपहर 3 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। बागेश्वर पारंपरिक तरीके से मनाई होली, प्रवासियों ने कही ये दिल छूने वाली बात। देश भर में रंगों का त्योहार होली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बागेश्वर में भी होलियारों ने मंदिरों में झोड़ा, चांचरे गाकर और अबीर गुलाल लगाकर जमकर होली मनाई। वहीं अपने घर वापस लौटे प्रवासियों ने कहा कि अपने घर पर होली मनाकर वो काफी खुश हैं। डोली एम्बुलेंस और चुनाव बहिष्कार का आखिर क्या है कनेक्शन, जाने क्यों है परेशान ग्रामीण। सरकार हर गांव तक सड़क पहुंचाने का दावा तो करती है, लेकिन धरातल पर तस्वीर ठीक उलट है। इसकी बानगी सलादे ब्लॉक में देखने को मिली, जहां तोक मुधानी गांव आज भी सड़क सुविधा से महरूम है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बीते दिन एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बुजुर्ग को डोली के सहारे मेलों का सफर तय कर सड़क मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद बुजुर्ग को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो पहले से ही तय था महेश जीना का नाम, प्रचार गीत ने की चुगली। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीति के पंडित भी इस पर मुहर लगा रहे थे, लेकिन होली के दिन बीजेपी ने सल्ट से महेश जीना को प्रत्याशी बनाकर सभी उम्मीदों संभावनाओं का समापन कर दिया। ठगे से रह गए शिल्पकार, 12 साल से नहीं हुआ दुकानों का आवंटन। सरकारी योजनाओं के नाम पर सरकारी पैसों की किस तरह बर्बादी की जा रही है, इसका उदाहरण हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए शिल्पकार मार्केट को देखकर लगाया जा सकता है। शिल्पकारों के लिए बनाई गई दुकानों का पिछले 12 सालों से आवंटन
तक नहीं हो पाया है। ऐसे में 1,30,50,000 की लागत से बनाया गया मार्केट अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। मार्केट असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। वहीं सरकार और समाज कल्याण विभाग के नुमाइंदे आंखें बंद किए हुए हैं। प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस में बीजेपी को घेरा, कहा सल्ट चुनाव को लेकर बीजेपी में डर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। होली के दिन ही प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को घेरा है। साथ ही इस चुनाव में बीजेपी में डर होने की बात कही है। फर्श पर रंग बिखरने से नाराज मकान मालिक ने मासूम पर झोंकी फायर, जांच में जुटी पुलिस। किराए पर रह रहे एक परिवार के बच्चों द्वारा फर्श पर रंग बिखेरने से नाराज मकान मालिक ने 4 वर्षीय मासूम पर फायर झोंक दी, जिससे मासूम जख्मी हो गई। घटना के बाद से मकान मालिक फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरगाह में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। शब बारात के मौके पर मजार पर दरगाह पर इबादत करने आए जायरीनों और मजार के मुजाविरों में मामूली विवाद को लेकर नोकझोंक हो गई। धीरे धीरे बात मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक युवक को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजपुरा गाँव में उत्तराखण्ड से हो रही बिजली सप्लाई बिल भेजा यूपी विद्युत विभाग। रामपुर जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला रजपुरा गांव का है। यहां विद्युत सप्लाई उत्तराखंड से की जा रही है और उपभोक्ताओं को यूपी से बिजली का बिल भेजा जा रहा है। यूपी के बिजली विभाग की तरफ से यहां घरों पर मीटर भी लगाया गया, लेकिन बिजली के खंभों पर आज तक विद्युत सप्लाई शुरू नहीं हुई। हल्द्वानी, नशा तस्करों से भिड़े स्थानीय लोग, जमकर चले लाठी डंडे। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र के लोगों में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है। पुलिस द्वारा इलाके में नशा तस्करों के कारोबार पर लगाम नहीं लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। होली के दिन कई वाहनों में तोड़फोड़, पुलिस ने दिया ये जवाब। होली के दिन गोपेश्वर के सुभाष नगर मोहल्ले में सड़क किनारे खड़े कई वाहनों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर वाहन स्वामियों ने आनंद फानंद में थाना गोपेश्वर में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की ओर से घटना को अंजाम देने की बात कही है। नर्तकी के भेष में मिला अज्ञात पुरुष का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली खटीमा क्षेत्र में सोमवार शाम को मुडेली चौराहे पर एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखा। पुलिस के अनुसार शव पुरुष का है, जो नर्तकी के भेष में मिला है। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मातम में बदली होली की खुशियां, करंट लगने से किशोर की मौत। राजपुरा क्षेत्र में होली पर एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई, जहां किशोर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। सल्ट उपचुनाव, बीजेपी के बाद कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी गंगा पंचोली को बनाया उम्मीदवार। गंगा पंचोली साल 2017 के चुनाव में इस सीट पर रनर अप रही थी। उधर बीजेपी ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। गैर औद्योगिक संस्थानों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से लेनी होगी NOC। नए गाइडलाइन के अनुसार रेलवे स्टेशन, वर्कशॉप, एयरपोर्ट, होमस्टे, बैंकेट हॉल, गेस्ट हाउस, आवासीय विद्यालय, वॉशिंग सेंटर और होटल और रेस्टोरेंट सहित गंदे पानी का उत्सर्जन करने वाले 42 प्रतिष्ठानों को अपने कारोबार को संचालित करने के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC लेनी होगी।